पहली पत्नी ने की आत्महत्या, दूसरी ने लगाए गंभीर आरोप। जानिए क्या है मामला, पवन सिंह ने क्यों दी तलाक की अर्जी। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दोस्तों इनकी पवन सिंह और ज्योति सिंह की पूरी सच्चाई के बारे में। आखिर की ज्योति सिंह को क्यों पवन सिंह ने दी तलाक की अर्जी। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बताते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी से तलाक लेंगे। वो भोजपुरी गाने के साथ में एल्बम और फिल्मों में चर्चित रहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार के रूप में चर्चित पवन सिंह ने गुरुवार को अपनी दूसरी पत्नी से तलाक लेने के लिए बिहार के आरा फैमिली कोर्ट में अर्जी दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी। सूत्रों का कहना है कि दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से रिश्ते ठीक नहीं हैं। यही कारण है कि ज्योतिषी अपने पति व पवन सिंह के बदले अपने माता पिता के साथ रह रही है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी से तलाक लेंगे। उनकी पत्नी पहली ने आत्महत्या कर लिया था। दूसरी पत्नी ने पवन सिंह पर मारपीट करने और गाली देने का आरोप लगाया है। पवन सिंह पर ज्योतिष ने लगाए गंभीर आरोप। पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने अपने पति पर दो बार गर्भपात करवाते का आरोप लगाया है। दोस्तों इस बात की जानकारी पवन सिंह की पत्नी ने अधिवक्ता विष्णुधर पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए दी है। पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि पवन सिंह शादी के बाद से अपने पत्नी के साथ अत्याचार करते थे। उनके साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी करते रहते। इसके कारण उनके वैवाहिक जीवन में त्रुटि आ गई। ज्योतिषी आज आरा कुटुम्ब न्यायालय में अंतरिक्त भरण पोषण की न्यायालय से भीख मांग रही है, मांगने की कोशिश कर रही है।